सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन। जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों को। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ 12 पंचवर्षीय योजना। दोस्तों मैं इस वीडियो को 3 मिनट में ख़त्म करूँगा, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है कि 3 मिनट में आपको एक नंबर का क्वेश्चन इस वीडियो से ज़रूर मिलेगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि उनकी भी मदद हो सके। दोस्तों आप इस कोटेशन को ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत ज़रूरी है कोरोना वायरस से रिलेटेड। आप इसका स्क्रीन शॉट लेकर ज़रूर पढ़िएगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको बताना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब आई थी? दोस्तों ये आई थी 1951 से 1956 में। दोस्तों इसका जो लक्ष्य रखा गया था, कितना रखा गया था हमारा जीडीपी का? 2.1%। लेकिन दोस्तों प्राप्त कितनी हुई थी? 3.6%। यानी कि जो योजना थी हमारी बहुत सक्सेस रही थी। और किस क्षेत्र में कार्य करना था हमें? दोस्तों कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में और विद्युत के क्षेत्र में। दोस्तों क्वेश्चन अलग से सेपरेट पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी, इसका लक्ष्य विकास दर कितना था, प्राप्त कितनी थी, इसका कार्य कितना। दोस्तों आपको ये चारों क्वेश्चन आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपकी कब आई थी? दोस्तों 1956 से लेके 1961 तक, यानी कि 5 वर्ष का कार्यकाल था। लक्ष्य था दोस्तों 4.5, लेकिन दोस्तों प्राप्त कितनी हुई थी? 4.2%। दोस्तों कार्य क्या था इसमें? हमें उद्योग को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी क्या कार्यकाल था? दोस्तों 1961 से 1966। दोस्तों इसमें आप ये देखिएगा, लक्ष्य दर रखा गया 5.6, लेकिन सिर्फ प्राप्त हुआ 2.8। इसका कारण था दोस्तों 1961 और 1961 से 1962 तक चीन का युद्ध हमारा होना, चीन के साथ हमारा युद्ध होना। और दोस्तों दूसरा कारण था हमारा 1965 का 1966 पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध होना। और दोस्तों 1965 और 66 में ही हमारे देश में एक बहुत सूखा अकाल पड़ा था, जिससे इस योजना में बहुत हानि आई। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब आई थी हमारी? 1969 से लेके 1974 तक हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी। इसका लक्ष्य था 5.7%, प्राप्त हुई दोस्तों 3.3%। और किस कार्य में? तो दोस्तों कृषि के कार्य में था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना हमारी 1974 से 1979 तक थी। दोस्तों लक्ष्य रखा गया था 4.4%, लेकिन प्राप्त हुई दोस्तों 4.8%। और उसका कार्य क्या था? निर्धनता उन्मूलन को बढ़ावा देना, यानी कि उसको कम करना, और आर्थिक आत्मनिर्भरता लोगों में बढ़ाना। दोस्तों इसी समय जो है जनता की पार्टी की सरकार आई। दोस्तों उन्होंने इस टाइम पीरियड को 1978 कर दिया। और दोस्तों अगले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1980 और पीछे मैंने बोला 78, यानी कि दोस्तों 2 साल का आपका टाइम पीरियड गैप रहा यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे राजनीतिक पार्टियाँ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही थी और जल्दी जल्दी सरकार बदल रही थी, इसलिए योजना बनाने का टाइम नहीं मिला। तो दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना थी हमारी 1980 से लेके 1985। लक्ष्य रखा गया 5.2% और प्राप्त हुआ हमें 5.4%। किस क्षेत्र में था? कृषि के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सातवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों हमारी कब आई थी? 1985 से लेके 1990 तक। लक्ष्य रखा गया दोस्तों 5.0% और प्राप्त हुआ दोस्तों 6%। कार्य क्या था? दोस्तों ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ावा देना और खाद्यान्न के क्षेत्रों को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी तेज से बढ़ा रहा हूं, लेकिन दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को रिपीट कर करके बार बार देखिएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन इस वीडियो से जरूर पूछा जाएगा आपका। दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना आपके 1992 से लेकर 1997, लक्ष्य रखा गया 5.6%, प्राप्त हुआ दोस्तों 6.6%। कार्य क्या था? मानव संसाधन में बढ़ावा देना। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, नवी पंचवर्षीय योजना आपके आई थी 1997 से 2002 के बीच में। लक्ष्य रखा गया 6.5%। दोस्तों इसमें लॉस हुआ आपका 5.5% ही हम लक्ष्य प्राप्त कर सके। दोस्तों कार्य क्या था? समाज में न्याय की भावना पैदा करना। अगला क्वेश्चन देखिए, दसवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब आई थी हमारी? 2002 से लेकर 2007 तक। लक्ष्य रखा गया 8.1% और प्राप्त हुआ दोस्तों 7.5%। दोस्तों कार्य क्या था? रोजगार और ऊर्जा को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हमारी 2007 से लेकर 2012 में आई। दोस्तों पंचवर्षीय वो थी जिसमें लोगों को, आम जनता को भी इसमें शामिल किया गया, उनके परामर्श मांगे गए। लक्ष्य रखा गया 8.8% और दोस्तों इसमें आपका प्राप्त हुआ 7.9%। दोस्तों और इसमें कार्य क्या था? समावेशी विकास। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपकी 2012 से 2017 तक आनी थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 2014 में ही पार्टी चेंज हो गई और बीजेपी की सरकार आई, जिन्होंने क्या करा दोस्तों, आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना, इस पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम खत्म करके एक नई योजना शुरू करी, नीति आयोग। दोस्तों नीति आयोग के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।
एक चीज़ और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए प्लीज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि टॉपिक सर ये वाला टॉपिक समझाना है, ये वाले टॉपिक के बारे में वीडियो बनाइए। दोस्तों मैं आपको डीपली उस वीडियो को समझाऊंगा, डीपली उस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।